कल क्या पढ़े थे जी, जरा बताना। कल क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था? बंद हो जा भाई, बताइए कल क्या क्या पढ़े थे आप लोग, वहीं से मैं शुरू करूं फिर। बताओ। नहीं, वो तो मेरे को मालूम है विंडो एप्लीकेशन था, लेकिन विंडो एप्लीकेशन में क्या क्या हम लोग कुछ प्रैक्टिस करे थे? क्या क्या? बटन और बटन और ऐसा, तो सारे लोगों ने करा था क्या प्रैक्टिस? सभी लोगों ने करा था? नहीं करा था? और नहीं करा था तो क्यों? समय कम था, सिर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, बुखार आ गया था, या लाइट नहीं था, क्यों नहीं करा था बताओगे? नहीं बताओगे? ये टूल बॉक्स है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, गायब। और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे व्यू मेनू में, टूल बॉक्स पे कर दूंगा क्लिक, तो ये फिर से आ जाएगा, राइट? ठीक है जी, इस बटन पे मैंने क्लिक करा और यहाँ से बना दिया ऐसे, यही कह रहे थे ना हम कल। और कुछ टेक्स्ट बॉक्स ले लिए थे शायद। चलिए जी, किधर है टेक्स्ट बॉक्स, इसको मैं पकड़ के खींच लेता हूँ ऐसे, कंट्रोल दबाइए, इसको पकड़ के नीचे खींच लीजिए तो ये दूसरा बन जाएगा, ठीक है। ये लेबल है जी, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं पकड़ के खींच लेता हूँ दोबारा ऐसे, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लेबल पे मुझे वन लिखना है, तो आप लोग बताएंगे मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप लोग को रिकॉर्डिंग पिछला देखना चाहिए जी, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा नेम, ठीक। नहीं समझ में आया? इसमें क्या मेरे को लिखना है? क्लास। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर लेबल में? क्लास। क्यों भाई? यूजर को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे क्या एंटर करना है, इसलिए यहाँ पे क्लास लिखा जाएगा, ठीक। मैंने आपको बताया था, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा मार्केट से, ठीक है, लेबल वगैरह रहता है ना उसमें? नहीं रहता है। मार्केट से आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, तो आपको कैसे मालूम? लेबल रहेगा उसमें तो ही पता चलेगा ना, लेबल के कारण ही तो चलेगा। लेबल मान लो मैंने हटा दिया तो आपको कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। आप लोग रिकॉर्डिंग जो है पिछला देखिए, ठीक है, शायद आप लोगों ने पिछला रिकॉर्डिंग देखा नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो आपने कल टेक्स्ट बॉक्स का तो प्रैक्टिकल करा था। अच्छा ये बताओ, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल आखिर क्यों? टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पे तो क्यों कर रहे हैं? लिखने के लिए। इसको मैं कर देता हूं रन, ठीक। यूजर से इनपुट लेना है हमको, ठीक, कुछ भी टेक्स्ट डेटा, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना? नहीं है ठीक। फिर बात ये बटन का आया जी, बटन का क्या इस्तेमाल है, ठीक है, बटन हम क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अभी बटन पे क्लिक करने पे इसी फॉर्म पे डेटा को शो करा देते हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना होगा, डेटाबेस में सेव कराना होगा ना, डेटाबेस में सेव कराना होगा बटन, ठीक है, तो इसलिए हम बटन ले रखे हैं,
ताकि उस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करें और फिर वो डेटाबेस में जा करके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या लेबल पे हम क्लिक करके डेटाबेस में डेटा सेव नहीं करा सकते हैं। आ जाइए, लेबल पे क्लिक करके डेटाबेस में डेटा हम सेव नहीं करा सकते क्या? तो क्या लगता है आप लोग को, सेव नहीं करा सकते? करा सकते हैं, है? नहीं होगा भाई, लेबल पे क्लिक इवेंट हम जनरेट कर लेंगे। क्यों? जैसे ये लेबल है ना, मार दिया इसमें डबल क्लिक मैंने, लेबल पे क्लिक इवेंट जनरेट हो गया। ठीक है, और फिर हम इस क्लिक इवेंट में क्या कर देंगे, कोड लिख देंगे, तो लेबल पे क्लिक करेंगे फिर भी तो सेव ही हो जाएगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो ऐसे भी तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लेबल है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेबल जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे आप माउस लाओगे, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसमें क्लिक वगैरह करोगे तो पता नहीं चल रहा है, इसमें आप माउस वगैरह होवर कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो तो पता चल रहा है ना। तो बटन जो है इसी पर्पस के लिए ही बनाया गया है कि उस पर हम क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, उस पर जब हम क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे और ये जो लेबल पे क्लिक इवेंट था इसको मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा। ठीक है, तो ये दो का तो प्रैक्टिस आपने कल कर ही लिया था। ठीक है, इस फॉर्म को मैं नीचे और खींच के कर लेता हूँ बड़ा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, हम आज दो चीज का एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो इन दो कंट्रोल को मैं रहने दूं या डिलीट कर दूं, और जिसको हम जिसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं उस कंट्रोल को यहाँ पे ले लूं? डिलीट कर दूं? ठीक है जी, एक बार सिलेक्ट किया और कर दिया इसको मैं डिलीट। ठीक, हम इस्तेमाल करने वाले हैं चेकबॉक्स नहीं, रेडियो बटन का। ठीक, ये रेडियो बटन है जी, पकड़ के इधर खींच के ले लाया मैं। ठीक है, और इसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या मैं कर दूंगा, बदलाव कर दूंगा। ठीक, क्या बदलाव कर दूंगा, क्या मैं लिख दे रहा। ठीक, और इसी को मैं पकड़ के खींच लाऊंगा ऐसे। ठीक है, ऐसे कर दूंगा इसको। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हमने बना लिया ऐसा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रेडियो बटन का खासियत रहता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, तीन चार या एक दो। ठीक है, और फिर उस ऑप्शन में से क्या करना होता है, कोई एक सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं जी, रेडियो बटन का। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारा, लेकिन उस ऑप्शन में से कोई एक जो है हमें सेलेक्ट करने का है। ठीक है, हमें सेलेक्ट करना है, तो यूजर जो यूजर सॉफ्टवेयर को चलाएगा उसको ये रेडियो रेडियो बटन मिलेगा। ठीक है, और वो क्या काम करेगा, इन दोनों में से किसी एक को ऐसे सेलेक्ट कर लेगा। ठीक, अब इस रेडियो बटन को मैंने क्या किया, सीधा यहाँ पे ऐसे ही फॉर्म पे ही लिख दिया। फॉर्म क्या, नहीं, दोनों को सेलेक्ट करना है तो उसका टेक्निक दूसरा है, चेक बॉक्सेस का वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और लिस्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा अभी उस पे। तो यहाँ पे क्या था, दो ऑप्शन मुझे देना था। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन देना था, दो में से कोई एक जो है सेलेक्ट कराना था। ठीक, तो क्या हमने ले लिया, रेडियो बटन। अब रेडियो बटन को सीधा फॉर्म पे नहीं लिखना चाहिए,
ठीक है, तो क्या करना चाहिए जी? इधर शायद देखो ग्रुप बॉक्स जैसा कंट्रोल होता है, ये लो, ठीक है, इसी को मैं ऐसे कर देता हूँ जी, ठीक है, एक ग्रुप बॉक्स कंट्रोल के ऊपर इसको रखना चाहिए, ठीक। अब बात आता है कि ग्रुप बॉक्स कंट्रोल के ऊपर क्यों रखना है, फॉर्म पे ही रख देंगे तो कोई समस्या है का? क्यों, कोई समस्या है? पता नहीं जी समस्या है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं समस्या लाने के लिए, इसको पकड़ के ले लाया इधर, ठीक। तो ये जेंडर के लिए हो गया ना जेंडर के लिए। मैं चाहता हूं कि कुछ कोर्स के लिए भी रेडियो बटन हो, ठीक, रेडियो बटन वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, ठीक, ये रेडियो बटन मैंने ले लिया, ठीक। ये सारे रेडियो बटन जो है ये कोर्स के लिए हैं, ठीक। ये मान लो HTML के लिए है, ठीक है, इसको आप क्या मान लो VB.NET के लिए है, विजुअल बेसिक के लिए जो आप अभी पढ़ रहे हो, ये किसके लिए है, SQL के लिए है, ठीक है, और ये किसके लिए है जी, क्या ले लो, C# ले लेता हूँ, ठीक है, चलिए ले लिया मैं। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो इस डिजाइन से क्या हमें देख समझ में आता है कि जेंडर में कोई एक सेलेक्ट हो जाए, मेल या फीमेल, और इन कोर्स में से कोई एक सेलेक्ट हो जाए, राइट, यही मतलब है ना इसका, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लिया, इसमें सीसार पढ़ लूंगा मैं, और यहां पे मेल ले लेता हूं या फीमेल ले लेता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने कोर्स को सेलेक्ट किया तो ये वाला इधर से सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब अब इन सब में से कोई एक ही सेलेक्ट कर पा रहा हूं मैं, यही हो रहा है ना समस्या। तो लेकिन ये डेटा तो अलग टाइप का है ना, ये चार रेडियो बटन है, वो कोर्स का है, ये दो रेडियो बटन है, वो जेंडर का है, तो अलग अलग डेटा हुआ ना। लेकिन फॉर्म पे हमने डायरेक्टली रेडियो बटन को रख दिया, इसलिए वो एक ही तरह का डेटा मान रहा है और एक ठो सेलेक्ट ही करने का ऑप्शन आपको दे पा रहा है ये, ठीक। तो ये क्या है, ये है प्रॉब्लम, है ना, प्रॉब्लम नहीं है, है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा गया, इस ग्रुप बॉक्स का इन्वेंशन करा गया, निर्माण करा गया, ठीक। चलिए जी इसको मैं ला के रख देता हूं इधर ही, ठीक है, चलिए हो गया। इस ग्रुप बॉक्स को और छोटा कर दूं, चलिए ऐसे पकड़ के ले लाया। ग्रुप बॉक्स का नाम क्या रख दूं मैं, टेक्स्ट में कर देता हूं मैं GENDER, ठीक हो गया। अब मैं रन करूंगा तो क्या होगा देखिएगा आप, ये जेंडर हो गया जी और ये कोर्स हो गया ना। लेकिन मेरे को क्या करना चाहिए, एक और ग्रुप बॉक्स ले लेना चाहिए, ठीक है। इधर है ग्रुप बॉक्स, मिल नहीं रहा है मुझे, दिख तो नहीं रहा है जी, ठीक है, ये है ग्रुप बॉक्स, ठीक। तो मैं इन सबको क्या कर रहा हूं, पकड़ के खींच लेता हूं और इसको फिट कर देता हूं मैं इधर, ठीक है ना, इधर कर दो इन सबको फिट। चलिए जी हो गया फिट,
ये लीजिए जी, हो गया ना। चलिए अब इसका मैं क्या करता हूँ, ग्रुप बॉक्स का टेक्स्ट जो है चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ CourseU, कोर्स, हो गया। अब ये जो अभी बना है ये ठीक बना है जो है नियम कानून के आधार पे, ठीक, ये जो है नियम कानून के आधार पे अब ठीक बना है, काम कर रहा है ठीक से, कर रहा है ना। चलिए जब काम कर रहा है तो अच्छी बात है। अब इनका डेटा कैसे लिया जाए, मैं कुछ लेबल ले लाता हूँ, लेबल पे ही डेटा शो करूँगा, ठीक है। लेबल पे ही क्यों शो करूँगा डेटा, जानते हैं आप क्यों शो करूँगा, लेबल ये शो कराने के लिए, ठीक है। तो चलिए जी, यहाँ पे कोर्स आ जाना चाहिए और यहाँ पे जेंडर आ जाना चाहिए। जैसे ही इस शो बटन पे क्लिक करूँ तो इसका मैं टेक्स्ट बदल के शो कर देता हूँ, ठीक ठीक है ना। चलिए तो डेटा कैसे लेना चाहिए, ये जो मेल रेडियो बटन है इसका नाम मैं बदलता हूँ और कर देता हूँ मेल, ठीक है। इस रेडियो बटन का नाम मैं बदला, ठीक है, मैं नाम बदल रहा हूँ अब नाम, ठीक। इसका क्या नाम है जी, रेडियो बटन, इसका भी नाम मैं बदल रहा हूँ, बदल दिया। इसका नाम क्या कर दूंगा मैं, इन सब का नाम मैं नहीं बदल रहा हूँ अभी, ठीक है, कि बदल दूं इन सब का भी नाम, बदल देता हूँ नाम, ठीक है। क्या नाम कर दूं, HTML कर देता हूँ नाम। इसका भी नाम बदल के क्या कर दूं, SQL कर देता हूँ। और इसका भी नाम बदल के मैं विजुअल बेसिक कर दूंगा। इसका भी नाम बदल के क्या कर दूंगा जी, C# कर दूंगा। शार्प तो नहीं लेगा जी, स्पेशल कैरेक्टर यहाँ अलाउ नहीं होता, इसलिए सिर्फ मैं C लिख दूंगा, ठीक, या C# लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, शो बटन पे डबल क्लिक, क्लिक इवेंट खुल गया ना बटन का, इवेंट मतलब आप लोग समझते हो, नहीं समझते तो पिछला रिकॉर्डिंग आप देख लेना जी, ठीक है। तो कोड मैं लिखना शुरू करूं, शुरू करूं ना कोड लिखना, नहीं करूं, इस लेबल में मुझे क्या शो कराना है, क्या शो कराना है, जेंडर, ठीक है। तो लेबल, लेबल जेंडर में कर दिया इसमें, ठीक है। और इसमें मैं क्या कर दूंगा, लेबल कोर्स, इसका नाम बदल के मैं क्या कर दूंगा, लेबल CourseU, नाम इसका मैंने बदल दिया, ठीक। अब शो बटन पे डबल क्लिक कर चुका था, अब मैं क्या करूंगा, इफ, ठीक है, इसको मैं पहले रन कर देता हूं। अगर ये जो है, अगर ये ऐसा है, फीमेल में अभी चेक नहीं किया हूं ना मैं, तो ये ऐसा है मतलब क्या है, ये अनचेक्ड है, ठीक। और अगर ये ऐसा है, बिंदी है बीच में, तो ये क्या है, चेक्ड है, ठीक ठीक है ना। तो अब चेक्ड कौन सा है ये जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए जी, कुछ कंडीशन लगाना चाहिए। क्या कंडीशन हम लगाएंगे, तो मेल रेडियो बटन रखा था ना नाम उसका, मेल रखा था नाम, मेल डॉट CH, चेक्ड एक तो प्रॉपर्टी होता है, देख लीजिए चेक्ड है ना। ये चेक्ड प्रॉपर्टी क्या करता है, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। बुलियन क्या होता है, एक डेटा टाइप है जिसका वैल्यू सिर्फ ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दो ही होता है ना। चलिए तो मैं प्रिंट करके पहले इसको देखता हूँ, MSGBOX, ठीक है। चलिए जी, मैं इसको किया सिलेक्ट, अब इसको कर देता हूं शो, आ गया यहां पे क्या, ट्रू आ गया ना, ट्रू। फिर से मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, ये अभी चेक्ड नहीं है मेल वाला, ठीक। अब इसको मैं शो पे क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, ये बोल रहा है फॉल्स,
क्यों? जब हम इसको चेक्ड कर देंगे तो इस चेक्ड का वैल्यू क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है, ठीक। और फिर फीमेल जब सेलेक्ट हो जाएगा तो मेल जो है अनचेक्ड होगा ना, तो फिर मेल डॉट चेक्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस हम यही काम करेंगे इधर, ठीक है। इफ का कंडीशन लगाएंगे, इफ ठीक है इक्वल टू ट्रू कर देंगे यहाँ पे, ठीक। अगर ट्रू है तो क्या कर दो, मैसेज बॉक्स ठीक है मेल कर दो, ठीक। अन्यथा क्या कर दो जी, फीमेल कर दो, ठीक। समझ में आया आप लोगों को? आ गया नहीं आया? आ गया, चलिए मैं रन करता हूं इसको। फीमेल पे क्लिक करा मैंने, मेल पे क्लिक करा, सो पे क्लिक कर रहा हूं तो ये देखिए मेल आ गया ना। फीमेल पे क्लिक करूंगा और कर दूंगा सो पे क्लिक तो ये आ गया फीमेल, आ गया ना। क्या मैं नहीं समझा? देखिए यहां पे मैंने मेल को चेक्ड का ट्रू करा है, ठीक। यहां पे सिर्फ दो ही है ना, यहां पे जो चेक बॉक्स लगा है वो सिर्फ दो है, तो हम सिर्फ मेल को यहां पे मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, जब फीमेल को सिलेक्ट करेगा यहां पे ठीक है, तो फीमेल का चेक्ड प्रॉपर्टी क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो जब फीमेल को यहां पे चेक्ड करेगा तो मेल वाला चेक्ड नहीं होगा ना, तो ऐसी स्थिति में मेल का मैं चेक्ड प्रॉपर्टी को मैं चेक करूं तो फाल्स आएगा, फाल्स आएगा ना। तो ये वाला कंडीशन तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। जैसे मैं इक्वल टू ट्रू करा हूं, इसको मैं हटा देता हूं ठीक है। तो मेल अगर चेक्ड रहेगा ठीक है, तो मेल वाले चेकबॉक्स में जब चेक्ड रहेगा तो ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा तो क्या मैसेज दे देगा? मेल दे देगा ना। लेकिन मेल वाला चेक नहीं रहेगा तो फीमेल वाला चेक्ड होगा ठीक है, और जब फीमेल वाला चेक्ड होगा तो मेल में क्या आएगा? मेल डॉट चेक्ड में क्या आ जाएगा? फाल्स आ जाएगा, फाल्स आएगा ना। तो यहाँ पे जब फाल्स आएगा तो आप जानते हैं इफ में अगर फाल्स हो जाता है तो एल्स वाला कंडीशन चलता है, राइट। तो जब फीमेल चेक्ड होगा तो मेल जो है अनचेक्ड होगा, और मेल जब अनचेक्ड होगा तो यहाँ पे फाल्स आएगा और मेल वाला ना शो करके फीमेल वाला मैसेज शो कर देगा। क्लियर है? नहीं है क्लियर? मान लीजिए यहाँ पे मैं फीमेल को ही चेक कर लेता ठीक, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कंडीशन यहाँ पे उल्टा मैसेज देना पड़ेगा ठीक है। ऐसे अगर फीमेल जो है वो चेक्ड है, मतलब वो सिलेक्टेड है, तो क्या कर दो? फीमेल, अन्यथा मेल कर दो। अगर फीमेल सिलेक्टेड नहीं है तो मेल ही सिलेक्टेड होगा ना, बस यही लॉजिक है इसमें जी, और कुछ नहीं है। तो इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पे जो हम मैसेज के रूप में दिखा रहे हैं वो यहाँ पे लेबल पे भी तो शो कर सकते हैं ना हम? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलिए जी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सीधा लेबल पे दिखा दूंगा। तो लेबल जेंडर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू क्या कर दो? फीमेल या मेल कुछ भी ठीक है। ऐसे ऐसे ठीक। ये लेबल जेंडर क्या है? इस वाले लेबल का नाम है ठीक। कहाँ लिखा है जी? ये देख लीजिए, नाम में यहाँ पे लिखा है लेबल जेंडर ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ? ठीक, मेल पे क्लिक करा, सो पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेल आ गया, फीमेल पे क्लिक करा, फिर सो पे क्लिक करा तो फीमेल आ गया। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है ना, कोर्स में अभी नहीं मैंने काम करा है कुछ ठीक है। तो इतना तो क्लियर है ना आपको? नहीं है क्लियर? क्लियर है इतना? चलिए अब हमें क्या करना है? कोर्स के लिए काम करना है ठीक है।
HTML डॉट चेक्ड होता है तो क्या करो जी, लेबल कोर्स डॉट टेक्स्ट कर दो, ठीक, और क्या इसमें कर दो, HTML, ठीक, मैं सही कह रहा हूं ना, चलिए जी ये कर दो। फिर else if में क्या करो, अगर HTML के जगह पे विजुअल बेसिक अगर चेक्ड है तो क्या करो, तो यहां पे else if में क्या कर दूंगा, इसी को मैं कॉपी करूंगा और कोर्स में क्या कर दूंगा जी, मैं VB विजुअल बेसिक, ठीक। फिर else if में कर दूंगा यहां पे, ठीक है, C# डॉट चेक्ड, ये मैं क्या लिख रहा हूं आपको समझ में तो आ रहा है ना, हाँ सेम वैसे ही मैं कर रहा हूं यहां पे, C# टेक्स्ट में C# डाल दो जी, ठीक है। else if फिर से किया मैं, और SQL भी है ना, SQL डॉट चेक्ड करता हूं और फिर यहां पे क्या कर दूं, लेबल में दे देता हूं मैं SQL, ठीक। इसमें मैं सेलेक्ट करा HTML वाले में, आ गया यहां पे, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे मैंने कोई सेलेक्ट नहीं किया तो मेल आ गया, क्यों, यहां पे कोड लिख रखा है मैंने, अगर फीमेल चेक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट मेल दे दो, बाकी कुछ मत चेक करो, तो इसलिए फीमेल चेक नहीं था तो मेल को यहां पे दे दिया। समझ में आ गया आपको, आ गया ना, बहुत कुछ नहीं भाई, नहीं नेट चालू भी रहने देता हूँ, लोगों को शक हो जाएगा, नहीं तो बस मोबाइल को जो है साइलेंट में कर देता हूँ। HTML में मैं सेलेक्ट करूंगा, HTML बोल रहा हूँ, SQL में तो यहाँ पे SQL आ गया, विजुअल बेसिक में मैंने सेलेक्ट पे शो पे क्लिक किया तो विजुअल बेसिक आ गया, फीमेल पे क्लिक कर दूंगा तो फीमेल आके यहाँ पे शो हो गया, क्लियर। तो ये चीजें आपको क्लियर है, आपको मैंने फंक्शंस बताया था, राइट, बताया था ना। अब मैं क्या करूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि बटन पे ना क्लिक करूं, इस पे चेक करूं तो अपने आप यहां पे अपडेट हो, इस पे चेक करूं तो यहां पे अपने आप अपडेट हो जाए, राइट। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसी पे मैंने डबल क्लिक मारा तो यहां पे क्या हो गया, mail_checked_change_event। ये कब चलता है checked change event, जब हम इसमें चेक्ड करते हैं और फिर अनचेक्ड करते हैं, ठीक है, जब इसमें चेक्ड करते हैं फिर दूसरे में चेक्ड करते हैं तो अनचेक्ड हो जाता है, ठीक है। तो सेलेक्ट करने पे जो है वो इवेंट चलता है, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि जो यहां पे मैंने कोड लिखा था ना, ये वाला कोड, ये मेल फीमेल वाला कोड, इसको कट करता हूं मैं और क्या करूंगा, यहां पे कर दूंगा पेस्ट, ठीक। अब देखिए कंपाइल रन मैंने करा, ठीक, तो बटन पे अब शो करूंगा तो नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने कोड कट किया था, मेल पे क्लिक करा तो यहां पे मेल आ गया, फीमेल पे काम नहीं करेगा अभी, अच्छा कर रहा है ना, चलिए जी क्यों कर रहा है जी, क्योंकि ये अनचेक्ड हो गया ना तो ये काम कर दिया जी, ठीक है, ये देख लीजिए काम कर रहा है सब में। अब फीमेल पे भी आप कोड लिख सकते हो इसका, लेकिन कोई फायदा का नहीं है, ये अनचेक्ड होता है तो खुद ब खुद काम कर ही जाता है, तो काम कर रहा है ना, चलिए जी बड़ा अच्छा है ये। अब देखिए पहले क्या था, ठीक ठाक काम कर रहा था ना, अब सिर्फ मैंने फीमेल पे क्लिक करा तो कुछ काम नहीं करा जी, नहीं करा ना काम, तो फीमेल पे पहला बार क्लिक करेगा तब तो हमारा कोड में प्रॉब्लम आ गया जी। तो इसलिए क्या करना चाहिए हमें, इसलिए हमें फीमेल पे भी ये कोड पेस्ट कर देना चाहिए, ठीक। तो कोड क्या है, एक ही कोड है लेकिन दोनों के चेक्ड चेंज इवेंट पे हमने करा है ना, नहीं करा, ये देख लीजिए आ रहा है, चल रहा है, ठीक है। फिर से इसको मैंने क्लोज करा, ठीक है,
और फिर मेल में भी जो है मैंने कर दिया ये, ठीक कर रहा है काम। तो एक ही कोड को दो बार लिखना क्या सही तरीका होगा? नहीं होगा ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए बताइए आप लोग, क्या करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए हमें एक ठो सब रूटिंग बना देना चाहिए या फंक्शन बना देना चाहिए। मैं अभी सब रूटिंग बनाऊंगा, ठीक, फंक्शंस आगे बना के बता दूंगा। सब रूटिंग कैसे बनाऊंगा जी, इसको कर दूंगा मैं कट और यहां पे कर दूंगा सेलेक्ट जेंडर, ऐसे मैंने कर दिया, एंटर मारा, ये बोलने लगा एरर, और फिर मैंने यहां पे क्लिक करा जनरेट मेथड, जनरेट करने के लिए बोल रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, अपने आप इधर मेथड जो है जनरेट हो जाएगा। आप लोग लेकिन ऐसे मत करिएगा, तब आप पूछेंगे तब हम लोगों को कैसे करना चाहिए, तब आप इसको मैं डिलीट मारूंगा और फिर कहूंगा आप लोग लिखिएगा ऐसे, फिर फंक्शन का कुछ नाम दीजिएगा जैसे सेलेक्ट जेंडर, फिर करिएगा आप लोग ऐसे, फिर एंटर मार के ऐसे पेस्ट करिएगा कोड। क्यों? आप लोग जब ऑटो जनरेट कर दोगे तो क्या होगा जी, होगा कुछ नहीं, बस आप सब रूटीन बनाना भूल जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको क्यों मैंने कट कर दिया, ठीक है। अब क्या था, यहां पे कोड मैंने एक जगह लिख दिया और इसको बना दिया एक ठो सब रूटीन, ठीक। अब इसी सब रूटीन को मैंने यहां भी कॉल कर दिया, यहां भी कॉल कर दिया। अब मैं चाहूं तो इसको क्या करूंगा, इसको कॉल कर दूंगा इस बटन के भी क्लिक इवेंट पे, ठीक, इस बटन के भी क्लिक इवेंट पे मैं कॉल कर दूंगा, और फिर क्या होगा, कहीं भी हम क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। ये लीजिए, बटन पे भी हम अब सेल्स क्लिक करेंगे तो भी ये काम करेगा। तो आपको समझ में आया होगा जी सब रूटीन का भी इस्तेमाल यहां पे, आया नहीं आया? कोर्स के लिए भी आप बना सकते हो यहां पे सब रूटीन, मैं इसको कट कर देता हूं, ठीक है, और सो में क्या कर देता हूं जी RSE, ऐसे मैंने करा। अब इसको जनरेट कर देता हूं मैं यहां से, ठीक है, जनरेट हो गया होगा नीचे, ये देखिए जनरेट हो गया है नीचे, और इसको कर दिया पेस्ट, ठीक ठीक है जी। तो इस तरह से आप काम करोगे, ठीक, समझ में आ गया आपको, दिखाई दे रहा है सबको क्लियर? अब कुछ दिक्कत हो किसी को तो बताओ मेरे को, इस कोड में कोई दिक्कत है किसी को, कुछ थोड़ा कंफ्यूजन होगा मेरे को ये बात मालूम है, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जी, अबे बराबर काम करेगा, अभी HTML सेलेक्ट किया, फीमेल सेलेक्ट किया, सो पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक, SQL सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से जो है डेटा हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक। कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लीजिए, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, पूछोगे नहीं पूछोगे कुछ, या फिर यही नहीं पता है कि पूछना क्या है, क्यों? फोटो वगैरह खींचना है तो खींच लो जी, ये यहां पे मैंने सब रूटिंग बना रखा है जी, ठीक है, पूरा कोड देख लो आप शुरू से आखिरी तक, यही मैंने लिख रखा है, बस इतना ही है। कुछ पूछना है किसी को, किसी को कोई किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बताइए, कंफ्यूजन है नहीं है, कोई दिक्कत? आप लोग अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, नहीं आया? आगे चलें,
आगे चले ना चले, क्या कहते हो? क्या? अच्छा एक बार और रिपीट करें, ठीक है। सो बटन पे मैंने करा डबल क्लिक, हमारा सो बटन का क्लिक इवेंट खुला, यहाँ पे हमने कॉल कर दिया ये दो ठो सब रूटीन। कंट्रोल दबाऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन नहीं देगा क्या? यहाँ पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और कहाँ पे चल जाऊंगा? गो टू डिफाइन वगैरह का नहीं है ऑप्शन इधर पे, ये देखिए गो टू डिफाइन, मतलब वहाँ पे मुझे पहुँचा दो जहाँ पे ये सब रूटीन बना है। गो टू डिफाइन पे क्लिक करा, ये देखिए यहाँ पे बना दिया एक ठो मैंने सब रूटीन, ठीक। और उस सब रूटीन के अंदर क्या लिखा हूँ? ये कोड, ये कोड क्या कर रहा है? ये फीमेल डॉट चेक्ड, अगर ये चेक्ड का वैल्यू यहाँ पे ट्रू आता है, प्रिंट करके मैं दिखाया था ना पहले कि इसमें ट्रू और फाल्स सिर्फ आता है, ठीक है, तो क्या होगा अगर फीमेल का वैल्यू चेक्ड आता है तो लेबल में जो है दिखा दो फीमेल, अन्यथा क्या दिखा दो? मेल। फीमेल अगर चेक्ड नहीं है तो मेल तो चेक्ड ही होगा ना, क्लियर, समझ में आ गया इतना चीज। चलिए जी, फिर उसके बाद क्या है? गेट कोर्स, गेट कोर्स एक फंक्शन सब रूटीन में बना दिया हूँ। और इसमें क्या कर रहा हूँ जी? इसमें भी मैं वही चीजें चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर HTML जो है चेक्ड है तो क्या करो? लेबल में असाइन कर दो HTML। अगर विजुअल बेसिक VB.checked अगर चेक्ड है, अगर ट्रू आता है तो क्या कर दो? लेबल में असाइन कर दो VB, ठीक है। सी शार्प अगर चेक्ड है तो लेबल में क्या सेट कर दो? सी शार्प। अगर SQL चेक्ड है तो क्या करो? SQL जो है असाइन कर दो लेबल के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक। ये लेबल क्या है, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जो मैं बोल रहा हूँ, ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? नहीं आ रहा है? आ रहा है? कुछ पूछना है? नहीं पूछोगे? कुछ पूछना है तो भाई पूछ लो। अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ ना कि जैसे ये फॉर्म रन होता है तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कोई चेक्ड नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट मेल या फीमेल कोई चेक्ड आए, तो मैं क्या करूँगा? सिंपल सा बात है, यहाँ पे चेक्ड नाम का प्रॉपर्टी है ना जिसको मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक, वो प्रॉपर्टी तो यहाँ पे भी तो होगा, क्यों? तो ये मैं चाहता हूँ कि मेल वाला जो है बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहे, ठीक, या फीमेल वाला बाय डिफॉल्ट चेक्ड रहे, तो मैं क्या करूँगा? फीमेल पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी में यहाँ खुल गया प्रॉपर्टी, और मैं क्या चेक करूँगा? चेक्ड इवेंट, चेक्ड, ठीक। ये देखिए चेक्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे फाल्स है ना, इसको कर देता हूँ मैं ट्रू, ठीक। तो ये देखिए अपने आप पे ट्रू हो गया, फाल्स पे क्लिक कर दूंगा तो ये अपने आप यहाँ पे फाल्स हो जाएगा, ठीक। ये देखिए हो गया ना चेक्ड अपने आप, हो गया ये चेक्ड अपने आप, हो गया है ना। आप इसको बटन वगैरह का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो? बना सकते हो। कैसे? प्रोग्रामेटिकली भी हम इसको कर सकते हैं चेंज। कैसे करेंगे मैं दिखा देता हूँ। कहाँ गया बटन सटन, कुछ मिल जाए। ये देखिए इस बटन पे मैं करता हूँ डबल क्लिक और इसमें क्या कर देता हूँ, इफ मेल डॉट चेक्ड, अगर ये ट्रू है तो क्या करो? मेल डॉट चेक्ड में क्या कर दो जी? फाल्स डाल दो, अन्यथा क्या कर दो जी? ट्रू डाल दो, ठीक। अब इससे क्या होगा आप देखना, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं पहले कि मेल डॉट चेक्ड, मेल नाम का जो रेडियो बटन है वो चेक्ड है, अगर हाँ चेक्ड है तो क्या कर दो उसको? अनचेक्ड कर दो। अनचेक्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके चेक्ड वाले प्रॉपर्टी में फाल्स असाइन करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, तो फाल्स असाइन कर देंगे तो अनचेक्ड हो जाएगा, लेकिन वो पहले से अनचेक्ड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा फाल्स,
और जब यहाँ पे फॉल्स आएगा तो यहाँ पे ट्रू हम असाइन, तो ये वाला लाइन चलेगा एल्स वाला, और एल्स वाला जब चलेगा तो यहाँ पे मेल डॉल चेक्ड में क्या कर दूंगा, चेक्ड में यहाँ पे ट्रू असाइन कर दूंगा। कंपाइल रन कर देता हूँ, ये देखिए बटन पे क्लिक करा, ये देखिए हो रहा है ना चेक्ड अनचेक्ड, यहाँ पे आप देखना हो रहा है। तो ये आप इस तरह से ये काम कर लोगे, ठीक, क्लियर आपको। तो रेडियो बटन के रिलेटेड आपको कोई दिक्कत शायद नहीं होगा, अब मुझे शायद लगता है कि शायद ना हो आपको दिक्कत, नहीं होगा ना दिक्कत, होगा होगा नहीं होगा कुछ बताइए, बताओगे? अभी कुछ शो नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये चारों में से कोई चेक्ड ना हो तो एल्स में क्या चलेगा ये मैंने लिखा नहीं, ठीक है। सो मैं क्लिक कर दूंगा तो आ गया, अभी भी कुछ पूछना है किसी को तो आप पूछ लो जी, और नहीं पूछना है तो मैं एक ठो कंट्रोल सिर्फ और पढ़ा दूंगा आपको, बता दूं। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो, नहीं पूछना है तो कह दीजिए, हमको समझ में आ गया। पूछना है कुछ? थोड़े से मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ, 43 मिनट सिर्फ मैं इतना ही में ले लिया, मज़ा नहीं आया, और 43 मिनट में एक और कंट्रोल खत्म हो जाएगा, इसको रोक लेता हूँ पहले। क्या पूछा आपने? रेडियो बटन है क्या? आपने कुछ साधु महात्माओं के मुंह से सुना है हरि अनंत हरि कथा अनंता, ठीक है, आखिर रेडियो बटन क्या है, ठीक है। तो आप जब कंसोल एप्लीकेशन बनाते थे तो आपके पास सिर्फ एक तरीका होता था यूजर से इनपुट लेने का, राइट, एक ही तरीका होता था ना, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब यूजर पूछो आम इमली लिख दे, हम कहेंगे शाबाश बहुत अच्छा काम किया, यही हम कहेंगे ना। तो जैसे हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे आते हैं, मतलब जीयूआई प्रोग्रामिंग, आप लोग समझते हो जीयूआई प्रोग्रामिंग मतलब? जीयूआई प्रोग्रामिंग मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है हमको। कंसोल एप्लीकेशन में क्या होता था, कुछ नहीं दिखता था, काला सफेद दिखता था, उसी में काम करते थे, लगता था पता नहीं कौन जमाने के 47 का है कंप्यूटर या पहले जमाने का है। लेकिन जब ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस हमें दिखता है, ये बटन बटन, ठीक है, तब लगता है कि हाँ कुछ मॉडर्न जनरेशन का है, कुछ बढ़िया सॉफ्टवेयर है, यही लगता है ना। तो यूजर से इनपुट लेने के अनेकों तरीके आ गए इसमें, ठीक है। जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया मार्केट में, तब यूजर से इनपुट लेने का तरीका एक से ज्यादा हो गया, अनेकों तरीका हो गया, ठीक। अब अनेकों तरीका हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए नाम, नाम आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लेते हो ना, नाम में तो कुछ बूट टाइप कर सकता है ऐसे लेके जेड तक, क्यों? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, राइट। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि 2-3 ठो ऑप्शन है, ठीक है, यूजर से कुछ भी नहीं लेना है डेटा, हमारे पास कुछ 2-4-10 ठो ऑप्शन है, ठीक। जैसे हमारे पास ऑप्शन है जेंडर के लिए, कि हम यूजर से पूछ रहे हैं कि अपना वो जेंडर बताए, यूजर जो है अपना जेंडर बताए, तो यूजर तो ही सेलेक्ट कर सकता है मेल या फीमेल, ठीक है, तो 2 लेना है हमको, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा तैयार करेंगे यूजर इंटरफेस कि यूजर जो है मेल और फीमेल ही ले पाए, दोनों में से कोई एक ही ले पाए, ठीक, तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी डेटा राइट ना कर पाए, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए रेडियो बटन का इन्वेंशन करा गया और कानून बनाया गया कि एक से ज्यादा अनेकों अगर ऑप्शन है और कुछ एक ही सेलेक्ट करने देना है यूजर को, तो क्या करो जी, रेडियो बटन उसको दे दो, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स भी का भी कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था, लेकिन उसको मैं इसके बाद बताता हूँ आपको, ठीक है।
एक है, दो है या दो से अधिक है ऑप्शन, और एक ही सेलेक्ट करने देना है यूजर को, तो क्या करो ऐसी स्थिति में रेडियो बटन का इस्तेमाल कर लो आप यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब मेल फीमेल के लिए भी मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता तो यूजर कुछ भी टाइप कर सकता था ना, जरूरी तो नहीं था कि मेल फीमेल ही टाइप करेगा, क्यों? अब आप कहेंगे कि मेल फीमेल ही टाइप करेगा, हम वैलिडेट कर लेंगे डेटा को कि मेल या फीमेल टाइप किया है कि नहीं, क्यों? कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू को, तो आप कंपैरिजन करेंगे, ये थोड़ा सा जो है मेहनत का काम है ना, हेक्टिक प्रोसेस है, तो काई के लिए इतना मेहनत करने का जी। बना दिया गया क्या रेडियो बटन, ठीक है, और आप लिखेंगे तो समय नहीं लगेगा, मेल लिखेंगे फीमेल लिखेंगे तीन चार कैरेक्टर लिखेंगे, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको भी मालूम है कि फीमेल या मेल लिखना है, प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर बना रहा है उसको भी मालूम है मेल या फीमेल ही होने वाला है, तो कहे ना हम पहले से रेडियो बटन दे दें कि जिसको सेलेक्ट करेगा अपने आप वो मेल या फीमेल बन जाए, क्यों? तो यूजर से इनपुट लेने में सुविधा हो, यूजर को इनपुट देने में सुविधा हो, और यूजर कोई डेटा गलत एंटर ना कर पाए, इन सब को ध्यान में रखते हुए इनपुट लेने के लिए जो है बनाया गया क्या रेडियो बटन। ठीक, समझ में आ गया आपको अब रेडियो बटन। रेडियो बटन का क्या कानून कहता है, ऑप्शन एक हो, दो हो या दो से ज्यादा हो तो क्या कर लो रेडियो बटन लगा लो, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि ऑप्शन अनेकों हो लेकिन यूजर जो फॉर्म भर रहा है वो सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकता है, कंडीशन ऐसा है तो क्या करो रेडियो बटन जो है ले लो। राइट, क्लियर आपको, कोई कंफ्यूजन? अब तो ये बात पहले पूछने का था, मैं 50 बार बोल रहा हूँ कोई कंफ्यूजन, फिर धीरे से कहेंगे ये रेडियो बटन काहे के लिए है, पहले पूछने का था ना, बोला भी इस बात पे सुनाओगे कि पहले क्यों नहीं पूछा क्यों? चलिए जी, आपके मन में प्रश्न एक और आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, भारत देश में कितने जिले हैं? राज्य में कहूंगा तो थोड़ा आप कुछ बता दोगे कम होगा, भारत देश में कितने जिले होंगे जी? नहीं मालूम, लगभग 800 जिले समथिंग होंगे, कुछ एग्जैक्टली नहीं है मुझे मालूम, ठीक है मुझे पढ़े थोड़े समय हो गए तो एग्जैक्ट मेरे को नहीं, कुछ होंगे 800 के लगभग, ठीक है राउंड फिगर, हो सकता है 800 से 2, 4, 5, 10 जिला कम हो जाए या हो सकता है ज्यादा हो जाए, कहे कि जिला तो बढ़ता घटता है, हजार भी हाँ हो सकता है, कहे कि मुझे पढ़े ये काफी समय हुए हैं, ठीक है तो लगभग कुछ 800 के समथिंग में पढ़ा था। अब क्या है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हो यूजर से या फिर विंडोज एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, जिसमें कि यूजर को अपना डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट करना है, ठीक, तो आप क्या करोगे जी 800 रेडियो बटन बनाओगे 800 रेडियो बटन बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे ना, 800 रेडियो बटन बनाना हुआ तब तो भैया फॉर्म में सिर्फ रेडियो बटन दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, क्यों? 800 भाई यूजर से उसका जिला पूछना है, ठीक है, लेकिन जिला तो यूजर को एक ही देगा ना, तो ऐसी स्थिति में रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाता है। तब क्या करना होगा हमें, क्या टेक्स्ट बॉक्स ले ले कि टेक्स्ट बॉक्स में यूजर अपने जिले को राइट कर दे? मजा नहीं आएगा, ठीक है, जिला सेलेक्ट करने के लिए हम उसको ऑप्शन देंगे, ठीक है, इनपुट बॉक्स ना लेते हुए तब हमको क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए कि 800 जिला उसके सामने आए और 800 जिला में से कोई एक जिला को वो सेलेक्ट कर ले। राइट, सारा मोबाइल का साइलेंट बटन दबा दीजिए, ठीक, हाँ तो वही जो करना है, ठीक है, तो ऐसा समस्या है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें एक नया कंट्रोल पढ़ना चाहिए जिसका क्या नाम है, कॉम्बो बॉक्स, ये है जी कॉम्बो बॉक्स, दिख रहा है आपको ये वाला, इसको मैं पकड़ के खींच लूंगा इधर और इसमें 800 जिला का नाम क्या करूंगा, लिख दूंगा, इसको बोला जाता है कॉम्बो बॉक्स, ठीक, आप लोग समझ रहे हैं, इसको मैं रन करता हूं, ठीक है, ये देखिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ध्यान दिए होंगे ना,
कि क्लिक करते हैं तो लिस्ट आ जाता है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यही है वो ड्रॉप डाउन या फिर कॉम्बो बॉक्स। विजुअल बेसिक के भाषा में क्या बोलते हैं? कॉम्बो बॉक्स। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? तो इसी कॉम्बो बॉक्स का क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, कॉम्बो बॉक्स जो है ना, उसको भी बताने के लिए ना मुझे 40-45 मिनट चाहिए। तो क्या कहते हो, मैं अभी बता दूं? नहीं, क्योंकि 40-45 मिनट में ले लूंगा कॉम्बो बॉक्स के लिए। कल सेव कर लेता हूँ जी इसको, मैं कहाँ, मैं कहाँ दबा दिया। तो ठीक है, आप लोग अगर कहते हैं तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अभी। ठीक है, रेडियो एंड कॉम्बो BOX, कल बता दूंगा इसको जो है, इसको सेव मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, कल बता दूंगा कॉम्बो बॉक्स। आप लोग प्रैक्टिकल करिए, ठीक है,